कैसे क्या विवाद हुआ जी? कुछ नहीं जी, ये कैंडिडेट दो तीन कैंडिडेट अंदर थे। हाँ। तो एक राजन नाम का वो है कैंडिडेट है। हाँ। वो विरोध करने लगा कि इन कैंडिडेटों को भी अंदर से बाहर करो। हम तीन चार पुलिसकर्मी लग के उनको बाहर निकाल दिया। वो जब तक बात करते करते वो खुद भी अंदर आ गया। मैं उसको बोला भाई तू बाहर निकल ले। वो मुझे गाड़ी दे के बोला जी, बोले तू कौन होता है मुझे बाहर निकालने वाला, ये मेरा गांव है और तुम गिनती भी भूल जाएगा, तेरे को इतना मारेंगे। तो मैं बोला भाई तू बाहर हो जा, ये बातें बाहर होकर कर। मैं उसको बाहर निकालने लगा, तब तक पब्लिक ने आके मुझे घेर लिया। तो मारपीट हुई आपके साथ? मारपीट हुई है, मेरे बटन बुटन तोड़ दिए जी। हाँ। तो वोटिंग पे असर हुआ, कुछ रोक दी है वोटिंग? वोटिंग का तो अभी क्या कह सकते हैं जी, वोटिंग रोक दी है, अभी तो वोटिंग तो काफी बाकी है, वैसे रोक रखा अभी। हाँ जी, अगर गांव में पोलिंग बूथ में ही बता रहे हैं झगड़ा हो जाता है, तलवारें चल जाती है, काफी लोग घायल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुबह हमें एक इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ फतेहगढ़ में मिली थी, उसके बाद मैं और डीसी साहब भी मौके पर आए थे और सभी हमारे जो पोलिंग पार्टी है और हमारे जो पुलिस कर्मचारी है उससे भी हमने घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ करी है। साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बात हुई है और एक कुछ लोग जो घायल हुए थे, हालांकि हमारे जो जैसे डीसी साहब ने बताया था डॉक्टर साहब से बात हुई है, उनकी स्थिति ठीक है। एक कैंडिडेट से मेरी भी बात हुई है जिसके बताया जा रहा है कि थोड़ी चोट लगी है, उनसे भी हमने कहा है कि आप वो यहाँ पर पहुँच करके वोटिंग में जो भी है इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाएं। अभी जो परिजन है कुछ उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी हम कार्रवाई अपनी तरफ से वोटिंग कार्रवाई शुरू करवा देंगे। तो प्रशासन अभी थोड़ी देर में कार्रवाई वापस शुरू करवाएगा। देखिए, ये जो सेंसिटिव बूथ था, वैसे पोलिंग बूथ पे दो कर्मचारी होते हैं, दो कर्मचारी यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाए गए थे और साथ में एक पेट्रोलिंग पार्टी भी थी। तो दोनों सरपंच उम्मीदवारों के बीच में झगड़ा हुआ है सर? ये देखिए, पहले कुछ एजेंट्स में आपस में कुछ इश्यू हुआ है, बाद में कुछ लोग और वहाँ पर आ गए थे, हमारे पास में कुछ वीडियोस हैं जिसके आधार पे हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो गिरफ्तारी भी की गई है अब तक? देखिए, अभी FIR दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है, बयान लिखे जा रहे हैं और इसके बाद FIR दर्ज करके इसमें इस मामले में कोई किसी प्रकार की ढील की नहीं जाएगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है डेफिनेटली उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। देखिए, ऐसा थोड़ा माइनर कपल का इंसिडेंट हमारे संज्ञान में आया था, तो हमारी तरफ से जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से और हमारे जो मुखे के रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी थे वो टाइमली यहाँ पे पहुँच गए थे। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और मेरे ख्याल से दो या तीन लोगों को थोड़ी चोट आई है और हमारे डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल और जो इंजर्ड पर्सनल भी है उनको कोई ऐसे क्रिटिकल इंजरीज नहीं है। तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए थोड़ा यहाँ पे इनके परिवारजनों से भी बात हुई है, तो उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा, तो उस टाइम के बाद में फिर हम वोटिंग को रेफर। एक के हाथ पे बता रहे हैं शार्प कट लगा है, उनको रेफर कर दिया गया है? नहीं, रेफरिंग वही हमने बताया कि जैसे क्रिटिकल इंजरी कहीं पे भी नहीं है, वो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो हमारे जैसे डॉक्टर साहब बात बोल रहे हैं उनको रेफर जरूर करा गया, क्योंकि वो टर्शरी यहाँ पे CHC जो हमारे मिसिंग था वहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं थी। तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में सिचुएशन। जो सर सरपंच उम्मीदवार है और अंदर जो बैठे पोलिंग एजेंट थे वो भी घायल हुए हैं? एक पोलिंग एजेंट को थोड़ी सी चोट आई है। तो पहचान हो पाई कि कौन तलवारें लेकर अंदर पहुंचे जिन्होंने हमला बोला? देखिए, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें पुलिस FIR दर्ज भी कर रही है और फिर जिन्होंने ऐसी कार्रवाई करी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, शहर में और किस तरह से वोटिंग चल रही है? पूरे जिले में जो वोटिंग चल रही है कैसे चल रही है हर जगह? बाकी जैसे टोटल हमारे 892 बूथ है, सभी जगह पे पोलिंग बड़ी स्मूथ चल रही है, फ्री एंड फेयर तरीके से चल रही है। सिर्फ एक इशू फतेहगढ़ गांव का ही था जहाँ पे मैं और SP साहब पर्सनली प्रेजेंट है और यहाँ पे भी आधा पौना घंटा में इशू रिजोल्व हो जाएगा। हमने एक घंटे का टाइम मांगा है तो उन्होंने दे दिया है, पहले तो वो मान नहीं रहे थे, पर सर हमारी भी जो मेन एजेंट्स है वो यहाँ पे नहीं है तो हम उनके बिना नहीं शुरू करना चाहते, तो एक घंटे का टाइम मांगा है, सर ने एक घंटे का टाइम दिया है, सो देखते हैं जब तक हमारी बात नहीं होती वो कैसे हैं जो सीरियस हैं तो हम देखो शुरू नहीं करना, क्योंकि उनको नॉलेज थी, हमने उनको आगे किया था, अगर वही यहाँ पे नहीं होंगे बिना नॉलेज के हम इलेक्शन कैसे करवाएंगे? कार्रवाई का तो आश्वासन दे रहे हैं प्रशासन? कार्रवाई हाँ, हमने मेडिकल वगैरह का हो जाएंगे तो कार्रवाई तो सर कह रहे होंगी, पर सर कार्रवाई का भी चलो कार्रवाई तो हम करेंगे ही, पर इलेक्शन तब तक हमने एक घंटे का टाइम मांगा है कि जब तक हम गंभीर है वो उनका पता नहीं चलता, यहाँ सरपंच है या मेंबर है वो यहाँ नहीं आते। फोन पे तो आपकी बात हो रही है, वो मेरे हिसाब से भी लगता है।